पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के शासनकाल में हुए एमपीएसआईडीसी घोटाले की जांच की मांग की है। विधानसभा में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर ईओडब्ल्यू से जांच की मांग की है। पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने दिग्विजय सिंह के शासनकाल में हुए एमपीएसआईडीसी घोटाले की जांच की मांग ईओडब्ल्यू से की है। मामला वर्ष 2004 में मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक केंद्र विकास निगम यानी एमपीएसआईडीसी में हुए घोटाले का है। इनमें निगम के तत्कालीन अध्यक्ष, संचालक मंडल, प्रबंधन संचालक और अन्य अधिकारियों पर 42 डिफॉल्टर कंपनियों के प्रवक्ताओं और संचालकों के साठ गांठ, उन्हें अवैध रूप से 719 करोड़ का लोन बांटने का आरोप है। इस घोटाले के वक्त दिग्विजय सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। घोटाले में ईओडब्ल्यू ने दिग्विजय सिंह को नोटिस भी दिया था। गौरतलब है कि ईओडब्ल्यू ने 2 सितंबर को इस घोटाले में शामिल आधा दर्जन अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश किया था। इसमें सोम ग्रुप के मालिक जगदीश अरोरा, उनके भाई अजय अरोरा, एमपीएसआईडीसी तत्कालीन संचालक आरपी शर्मा, अध्यक्ष नरेंद्र नाहटा, तत्कालीन संचालक अजय आचार्य, तत्कालीन प्रबंधन संचालक एमपी राजन शामिल थे। जगदीश व उनके भाई अजय सोम घोटाले के समय सोम पावर लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर व प्रबंधन संचालक थे। मामले में माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष एस आर मोहंती, तत्कालीन औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक भी आरोपी थे। मोहंती पर बिना किसी नियम का पालन करते हुए कंपनियों को लोन बांटने का आरोप लगा था। ईओडब्ल्यू पहले इस मामले में 19 कंपनियों के प्रवक्ता व संचालक गणों के खिलाफ चालान पहले भी पेश कर चुके हैं। अब इस घोटाले को लेकर किशोर समृद्धि ने दिग्विजय सिंह की ईओडब्ल्यू से जांच की मांग की है और इसके लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। क्रमांक 25/2004 है। ईओडब्ल्यू ने जो तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी एस आर मोहंती का भी औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष उस समय 42 कंपनियों को इनने करीब 719 करोड़ का ऋण दिया था। उससे अपराध दर्ज है और 16 साल में इनकी गिरफ्तारी की। ये गंभीर मैटर, कोई गरीब आदमी 2,136 जेलों में 2,00,000 कैदी छूट के बाहर आकर चुका, क्योंकि ये आई है सबके प्रभाव के अंतर्गत। और ईओडब्ल्यू चूंकि निष्पक्ष एजेंसी ने सरकार के अंदर है, तो सरकार की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो जैन जो डायरी है उस मामले को लेके आप इनको जांच से नहीं बच सकती सीबीआई, क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन ने जांच रिपोर्ट तैयार की। मेरा कहना है कि इन सब लोगों घर में छापे पड़े हैं, इनके घर में सर्च वारंट हुआ है कि आप पैसे बरामद हुए, तो उसे प्रॉपर अगर आप पूछताछ करोगे तो सारे आरोप खुल जाएंगे, सब लोग जेल जाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।